हेलो लर्नर्स वेलकम टू जो इस वीडियो में फटाफट रिवाइज करने वाले यूनिट वन के चार इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रेटजी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एंड लेवल्स एट विच स्ट्रेटजी ऑपरेट आने की स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट लेवल्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले व्हाट इज स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी होता क्या है तो ये स्ट्रेटजी वर्ड जो है आया कहां से सबसे पहले हम देखेंगे तो द वर्ड स्ट्रेटजी इज डिराइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड स्ट्रेटजोज तो स्ट्रेटजोज एक ग्रीक वर्ड है वहां से स्ट्रेटजी वर्ड जो है डिराइव किया गया है तो स्ट्रेटजोज का मतलब क्या होता है तो स्ट्रेटोज का मतलब होता है जनरलशिप आर्ट ऑफ द जनरल्स यानी कि कैसे मिलिट्री में जो हायर रैंक के होते हैं वो कैसे अपनी मिलिट्री फोर्सेज का यूज करते हैं वॉर को विन करने के लिए तो जनरलशिप कहलाता है द वर्ड स्ट्रेटजी मीन्स द आर्ट ऑफ द जनरल टू फाइट इन ए वॉर वॉर में जीतने के लिए हम कैसे जनरल का यूज करते हैं जनरलशिप का यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं

से आप अपने मिलिट्री ऑपरेशन को मूवमेंट्स को प्लान करते हो डायरेक्ट करते हो उसी को हम क्या कहते हैं जनरल सिप कहते हैं या फिर स्ट्रेटजी कहलाता है स्ट्रेटी इंक्लूड्स द डिटरमिनेशन एंड इवालूशन ऑफ अल्टरनेटिव पाथ टू एन ऑलरेडीब्लिस मिशन और ऑब्जेक्टिव एंड इवेंचुअली चॉइस ऑफ द अल्टरनेटिव टू बी अडॉप्टेड। तो स्ट्रेटी में क्या होता है कि हम अल्टरनेटिव पाथ ढूंढते हैं यानी कि टेक्निक ढूंढते हैं कि कैसे हम जो ऑलरेडी स्टैब्लिश हमारे पास मिशन है ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे हम विन कर सकेंगे वॉर अचानक से आया अब आपको पता है कि वॉर को जीतना है तो आप अलग अलग अल्टरनेटिव पाथ्स को डिटरमाइन करते हो उसको इवॉल्यूएट करते हो कि कौन से टेक्निक से हम जो है इस वॉर को जीत सकते हैं और फाइनली जो है उस टेक्निक को चूज करना अडोप्ट

के थ्रू रिटेलर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर जो है पर्सनली खुद के जो है आउटलेट्स ओपन करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर वो ऑनलाइन चैनल का यूज करके जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो कौन सी स्ट्रेटी अपनानी है जिससे कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो स्ट्रॉ हो इसी तरीके से जो है आप सपोज करें कि प्राइसिंग करनी है कंपनी को तो प्राइसिंग की कौन कौन सी स्ट्रेटी है जो अपना सकती है जिससे प्राइस इफेक्टिव हो कस्टमर ज्यादा से ज्यादा उसको अट्रैक्ट कर सकें यानी कि प्राइसिंग स्ट्रेटी जैसे कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग है स्किमिंग प्राइसिंग है वहीं पर सपोज करें कि आपको डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसिंग है या फिर ऑडिमेंट प्राइसिंग है साइको साइकोलॉजिकल प्राइस ये सब क्या स्ट्रेटजीज है? हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस के थ्रू ऑडियसिकल्टी नाइन प्राइसिंग स्ट्रेटी है तो अलग अलग स्ट्रेटजी है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी हो गया प्राइसिंग स्ट्रेटजी हो गया स्ट्रेटजी यानी कि आपको अपने से अपने आपको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसके लिए स्ट्रेटजी आप डेवलप कर रहे हैं कि आपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में चेंज किया अपने कलर चेंज कर दिया अपने पैकेजिंग चेंज कर दी या फिर आपने कोई और स्ट्रेटजी अपना ली तो बहुत सारे टेक्निक्स है बहुत सारे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है जिसके थ्रू जो है आप अपने ऑब्जेक्टिव को जो कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उसको अचीव कर सकते हैं स्ट्रेटजी को डेवलप करके तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का मतलब यह हो कि आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप करनी है ऐसे डिफरेंट स्ट्रेटजीज अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप करना है कि जिससे आपका जो मिशन है ऑब्जेक्टिव है उसको आप अचीव कर सको तो कि आइगर एनसॉफ ये एक रशियन अमेरिकन अपलाइड मैथमेटिशियन और बिजनेस मैनेजर थे आइगर इन्हीं को हम क्या कहते हैं फादर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहे जाते हैं तो आइगर एनसॉफ आपको याद होना चाहिए एज रशियन अमेरिकन अपलाइड मैथमेटिशियन और बिजनेस मैनेजर थे जिनको स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के फादर कहा जाता है नेक्स्ट हम देखेंगे कि

टिव कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि जो आप कंपटीटर जैसा काम कर रहा है उससे कुछ यूनिक आप तरीका अपना रहे हो गोल को अचीव करने के लिए या फिर जो कंपिटीटर कर रहा है उसी के जैसा आप करो लेकिन डिफरेंट वे में कर रहे हो तो यह स्ट्रेटजी कहलाता है टेक्निक टू अचीव योर गोल योर मिशन अब हम बात कर लें स्ट्रेटिक मैनेजमेंट क्या होता है आइगर एनसोफ्ट जहाँ आपके स्टेटेजिक मैनेजमेंट के फादर्स कहलाते हैं फादर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इस आइर एन सॉफ्ट जो रशियन अपलाइड मैथमेटियन थे और एक बिजनेस मैनेजर भी थे अब हम 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 बात करें स्ट्रेटिक मैनेजमेंट क्या होता है तो स्ट्रेटिक मैनेजमेंट टर्म से क्लियर है कि आप क्या करो स्ट्रेटजी को मैनेज कर रहे हो तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स ओवरऑल डायरेक्शन बाय डेवलपिंग प्लान एंड पॉलिसीज डिजाइन टू अचीव ऑब्जेक्टिव एंड देन एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू इंप्लीमेंट दी प्लान तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या हो गया कि ओवरऑल एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि कैसे जो है प्लान और पॉलिसीज को डेवलप करते हो और उसको कैसे अचीव करना है और रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है उस प्लान को अचीव करने के लिए उस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए वही चीज क्या कहलाता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट यानी कि आपने जो भी प्लान आपने डिस्कस किया जो भी आपने पॉलिसीज बनाई है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है और रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है?

स्ट्रेजी बनेट का नेचर कैटरिस्टिक क्या होता है तो ऑन गोइंग प्रोसेस है ऑन गोइंग प्रोसेस का मतलब कि ये एक टाइम का प्रोसेस नहीं ये कंटिन्यूस जब तक आपका बिजनेस चल रहा है तब तक का ये प्रोसेस होता रहेगा ऑन गोइ यह चलता रहता है स्ट्रेटी आपको बनाना पड़ेगा अपने मिशन को ऑब्जेक्टिव को गोल्स को अचीव करने के लिए वन टाइम प्रोसेस नहीं कि एक बार आपने स्ट्रेटी बना ली उसके बाद आप बैठ गए फिर सालों साल आपको वही स्ट्रेटी चल नहीं आपको कंटिन्यूसली आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा डायनेमिक प्रोसेस है डायनेमिक में इसकी कंटिन्यूस चेंज होता रहता है यानी कि एक ही स्ट्रेटेजी आप हमेशा फॉलो नहीं कर सकते हैं नॉट रिजिट आप रिजिट नहीं हो सकते हैं एक स्ट्रेटेजी एक गोल

फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए नेक्स्ट है इट इज मल्टी डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल इज स्ट्रेटी नॉट ओनली टेल्स अबाउट विजन एंड ऑब्जेक्टिव बट आल्सो द वे टू अचीव देम यानी कि यह सिर्फ ये नहीं बताता कि आपका विजन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बल्कि उसको कैसे अचीव करना है ये भी चीज़ क्लियर करता है तो ये क्या है मल्टी डायमेंशनल है एंड नेक्स्ट इज फ्यूचर ओरिएंटेड बट ऑबियसली बात है कि जो भी हम स्ट्रेटी डेवलप कर रहे हैं जो भी हम टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव को गोल को अचीव करने के लिए क्या है फ्यूचर ओरियंटेड फ्यूचर में हम वहां पर पहुंचना चाह रहे हैं उसके लिए हम टेक्निक्स स्ट्रेटी जो है डेवलप कर रहे हैं तो ऑनगोइंग प्रोसेस हो गया डायनेमिक प्रोसेस हो गया मल्टी डिसिप्लिनरी है हेरिकल है मल्टी डायमेंशनल और फ्यूचर ओरिएंटेड है ये कुछ नेचर है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके स्ट्रेजिक मैनेजमेंट के नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी तो स्ट्रेटजी के कौन कौन से लेवल है कितने लेवल हैं तो नॉर्मली स्ट्रेटजी के तीन लेवल होते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी दूसरा है बिजनेस या फिर कंपिटेटिव लेवल स्ट्रेटजी और तीसरा है ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी तो ये तीन लेवल पे स्ट्रेटजी जो है फॉर्मलेन किया जाता है इंप्लीमेंटेशन किया जाता है तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी देखिए कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है कि लार्ज बिजनेस लार्ज ग्रुप यानी कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस आप देखे होंगे जिनके कि कई सारे अल्टरनेटिव बिजनेस जो है कई सारे बिजनेस लाइन्स में वो काम कर रहे होते हैं जैसे कि सैमसंग का ले लिए तो सैमसंग जो है कैमरा भी बना रही है सैमसंग लैप टॉप भी, भी बना रही है सैमसंग मोबाइल भी बना रही है सैमसंग जो है रेफ्रिजरेटर्स भी बना रही है तो अलग अलग बिजनेस लाइन है उसके तो जब जो सैमसंग कंपनी ओवरऑल बिजनेस को यानी कि सारे बिजनेस लाइंस को लेकर इकट्ठा करके उस पर डिसीजन लेती है उस पर स्ट्रेटजी बनाती है कि कौन से बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है कौन से बिजनेस लाइन में कम कर इन्वेस्ट करना है तो ये सबसे रिलेटेड जो ओवरऑल कंपनी जो है सैमसंग को लेकर बनाती है स्ट्रेटजी बनाती है उसको क्या कह कहते हैं कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी कहते हैं रिलेट्स टू द ओवरऑल स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट्स स्ट्रक्चर एंड फाइनेंसिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिटुएंट पार्ट यानी कि सपोज ये सैमसंग के पास फंड है तो कौन से बिजनेस लाइन में कैमरे में फंड लगाना चाहती है फिर सैमसंग

बिजनेस या कंपिटेटिव लेवल स्ट्रेटजी कहते हैं तो रिफर्स हाउ दी ऑर्गेनाइजेशन कम्पीट इन ए गिवन मार्केट इट्स अप्रोच टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टू कस्टमर्स यानी कि प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है क्या स्ट्रेटी होगी कैसे कस्टमर्स को डील करना है गिवन मार्केट में यानी कि सबसे पूरे सैमसंग जो है टेलीविजन मार्केट में तो टेलीविजन मार्केट में कैसे जो है अपने कंपिटेटर से डील करना है उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रेटी बनाएंगे वो बिजनेस या फिर कंपिटेटिव लेवल स्ट्रेटजी कहेगी वहीं पर जो ऑपरेशनल लेवल या फिर फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी भी कहते हैं वो क्या होता है कि हर बिजनेस में जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उस डिपार्टमेंट पर जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं उसको हम फंक्शनल लेवल या फिर ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटी कहते हैं और ये जो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी होते हैं जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया अलग अलग बिजनेस का यानी कि कैमरे का अपना अलग अलग डिपार्टमेंट होगा टीवी टेलीविजन जो मार्केट है टेलीविजन जो एस बी एस स्ट्रेटी बिजनेस यूनिट है उसका अलग अपना डिपार्टमेंट होगा तो हर बिजनेस लाइन के अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं तो हर डिपार्टमेंट जो है अपना स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी जो बनाती है कि कैसे वो अपने बिजनेस को जो है इंप्रूव कर सकते हैं जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटी उसमें कैसे सपोर्ट कर सकती है तो उसको हम ऑपरेशनल लेवल या फिर फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी कहते हैं तो ये लेवल ऑफ स्ट्रेटजी होती है कॉर्पोरेट लेवल कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी जो है उस सी होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कॉर्पोरेट स्टाफ होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है वहीं पर जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होते हैं वो डिविजनल मैनेजर्स होते हैं जो अलग अलग स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट के जो मैनेजर्स होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है वहीं पर जो ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी होते हैं वो फंक्शनल मैनेजर द्वारा बनाया जाता है यानी कि जो मार्केटिंग मैनेजर हो गए फाइनेंस मैनेजर हो गए इनके द्वारा जो है वो डेवलप किया जाता है नेक्स्ट टॉपिक आपका स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस यानी कि स्ट्रेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है तो आपने डेफिनेशन याद की होगी भी देखी आपने कि स्ट्रेटिक मैनेजमेंट क्या है डायनेमिक प्रोसेस है फॉर्मुलेटिंग इंप्लीमेंटिंग इवालुएटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द स्ट्रेटी यही क्या कहलाता है यही स्ट्रेटिक मैनेजमेंट प्रोसेस कहलाता है यानी कि आप स्ट्रेटी को कैसे बनाएंगे कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे कैसे इवालुएट करेंगे और कंट्रोल करेंगे यही क्या है स्ट्रेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी फॉर्मलेट करने जाए तो पहले आपको अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायमेंट के बारे में पता होना चाहिए तो दैट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग पहले आप करेंगे एक्सटर्नल एनवायरमेंट को ऑडिट करेंगे और इंटरनल को ऑडिट करेंगे उसके बाद फिर आप जो है क्या करेंगे स्ट्रेटजीज अपने विजन मिशन को को डेवलप करेंगे करेंगे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट और फिर आप उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाएंगे तो दैट इज स्ट्रेटजी फॉर्मेशन तो स्ट्रेटजी फॉर्मलेन में आपको तीन चीजें हैं विजन मिशन को डेवलप करना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट को स्टेब्लिश करना और फिर उसके लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करना जब आपने स्ट्रेटजीज डेवलप कर ली स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर लिया अब आपको क्या है स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करना जो भी आपने डिसाइड किया कि ऐसे ऐसे भी आपका मिशन है जो भी आपका ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करने के लिए हम ये जो है कोर्स ऑफ एक्शन परफॉर्म करेंगे तब उसको जो है इंप्लीमेंट ट करना है कि रिसोर्सेज को एलोकेट करना है क्लासिफिकेशन करना है डिवीजन करना है वर्क का अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो सारी चीज़ें करके आप जो है स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते हो और फिर फाइनली क्या करते हो आप इवालुएट करते हो कि आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हो कि क्या वो एक्चुअली में आपके ऑब्जेक्टिव को जो मिशन या विजन है कंपनी का उसको अचीव कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है अगर नहीं कर रहा है तो उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन फिर से करते हो कोई दूसरा स्ट्रेटजी डेवलप करते हो या फिर उसी को कैरी ऑन करते हो अगर वो कर रहा है तो तो मेजर और इवालुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रेटजी तो ये आपका जो है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस होता है कि पहले आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे फिर स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करेंगे जिसमें आप विजन मिशन डेवलप करते हो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को स्ट्ल करते हो और स्ट्रेटजी को डेवलप करते हो उसके बाद जो है स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते हैं जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई थी उस इंप्लीमेंट करने के बाद आप उसको इवालुएट करते हो चेक करते हो कि उसकी परफॉर्मेंस सही है कि नहीं जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है जो भी कोर्स ऑफ एक्शन आपने चूज किया है टेक्निक चूज किया है विजन मिशन या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो सही से अचीव कर रहा है आपका ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहा है मूव ऑन है कि नहीं है अगर नहीं है तो आप उसमें क्या करते हैं स्ट्रेटजिक कंट्रोल लगाते हैं स्ट्रेटजिक कंट्रोल कि आप उसको स्ट्रेटी को कंट्रोल करते हैं या फिर कुछ न कुछ स्ट्रेटजी में मॉडिफिकेशन करते हैं या फिर कोई नई स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं तो इस वीडियो में इतना ही यूनिट वन के बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे यू ऑल देश की